विधानसभा समीक्षा 10 जुलाई 2019 आलेख रमेश ठाकुर का। राज्य विधानसभा में आज वित्त मंत्री तरुण भनोत ने मौजूदा वित्तीय वर्ष 2019-20 का बजट प्रस्तुत किया। राज्य की नई सरकार के इस पहले बजट में किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं है। वित्त मंत्री के सदन में बजट प्रस्तुत करने से पूर्व सत्ता पक्ष और विपक्षी दल के बीच काफी देर तक तीखी नोकझोंक हुई। राज्य के प्रमुख विपक्षी दल भाजपा की ओर से सदन में यह प्रश्न उठाया गया कि बजट पेश होने से पूर्व राज्य सरकार ने पेट्रोल डीजल पर कर की घोषणा क्यों की। विपक्ष के नेता गोपाल भार्गव का कहना था कि 7 जून 2019 को राज्यपाल की ओर से बजट सत्र के लिए अधिसूचना जारी की गई। बजट सत्र की अधिसूचना जारी होने के बाद परंपरा के अनुसार राज्य सरकार को सदन के बाहर किसी नए कर की घोषणा नहीं की जाना चाहिए, लेकिन इस परंपरा को तोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का बजट आने के बाद राज्य सरकार ने पेट्रोल डीजल पर कर लगाया, इसे बजट प्रस्तुत होने तक रोका जा सकता था। पूर्व संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित भाजपा के ही अन्य कई सदस्यों ने भी ये कहते हुए उनका समर्थन किया कि सरकार को मान्य परंपराओं का ध्यान रखना चाहिए। इस पर वित्त मंत्री सहित सत्ता पक्ष के कई सदस्यों ने उनका विरोध किया। उनका कहना था कि बजट आने से पूर्व सरकार को कर लगाने का अधिकार है। विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने दोनों ही पक्षों को शांत रहने के निर्देश दिए, लेकिन वे लगातार बोलते रहे। इसी दौरान मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपनी आसंदी से खड़े होकर कहा कि केंद्र सरकार का बजट 5 जुलाई को लोकसभा में प्रस्तुत हुआ। इसके पहले लोकसभा में बजट 28 फरवरी को पेश होते रहे हैं। केंद्र सरकार का बजट आने के बाद राज्य सरकारों को नए करों के प्रस्ताव पर विचार का समय मिल जाता था, लेकिन इस बार विचार के लिए समय नहीं मिला। केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को मिलने वाली राशि में से 2700 करोड़ रुपए कम किए हैं। उन्होंने भी पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ाए हैं। इस स्थिति में हमें भी केंद्र के अनुसार कर का समायोजन करना पड़ा है। मुख्यमंत्री के वक्तव्य के बाद विपक्ष की ओर से और भी कई सवाल उठाए गए, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें ये कहते हुए अमान्य कर दिया कि ये परंपरा रही है कि बजट प्रस्तुत होते समय सदन में अन्य कोई चर्चा नहीं हो सकती। यदि उन्हें कुछ कहना ही है तो बजट पर जब चर्चा प्रारंभ होगी उस समय अपना पक्ष रख सकते हैं। वित्त विभाग की ओर से उनका जवाब भी दिया जाएगा। इस व्यवस्था के बाद सदन में वित्त मंत्री का भाषण शुरू हो सका। वित्त मंत्री ने सदन में बजट प्रस्तुत करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने 17 दिसंबर 2018 को कार्यभार ग्रहण किया। लोकसभा चुनाव के कारण प्रदेश में 10 मार्च से 25 मई तक आचार संहिता के कारण सरकार का कामकाज रुका रहा। आचार संहिता की अवधि को छोड़कर मात्र 128 दिन कार्य करने का अवसर मिला है। इतनी अल्प अवधि में भी सरकार ने जन कल्याण के कई कार्यों को मूर्त रूप दिया है। किसानों के ऋण माफ किए गए हैं, युवाओं के लिए युवा स्वाभिमान योजना लागू की गई है, बिजली के बिल आधे किए गए हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन को दोगुना और मुख्यमंत्री कन्या विवाह और निकाह योजना की राशि बढ़ाई गई है, पुजारियों का मानदेय 3 गुना किया गया है, औद्योगिक निवेश के लिए योजना तैयार की गई है, पुलिसकर्मियों को सप्ताह में 1 दिन का अनिवार्य अवकाश दिए जाने का निर्णय भी लिया गया। इसी के साथ वित्त मंत्री ने विपक्ष की ओर संकेत करते हुए कहा कि हमारी सरकार घोषणावीर न होकर कर्मवीरों की सरकार है। उनके इस कटाक्ष पर सदन में एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तकरार हुई, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें ये कहते हुए रोक दिया, जो भी सदस्य उनकी अनुमति के बिना कुछ बोलेगा वो सदन के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं किया जाएगा। वित्त मंत्री ने फिर से अपना बजट भाषण शुरू करते हुए कहा कि पिछली सरकार के पूर्व वित्त मंत्री ने सार्वजनिक मंच से अपने वक्तव्य में स्वीकार किया कि उन्होंने नई सरकार को खाली खजाना दिया है। इसके बावजूद हमारी सरकार ने राजस्व आय के नए स्रोतों को चिन्हांकित कर आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र से मध्य प्रदेश को मिलने वाली राशि में निरंतर कमी हो रही है। कर में हिस्सेदारी के लिए अनुशंसाएं प्राप्त करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग का गठन किया है। हमने ही नहीं, सभी राज्यों ने इस आयोग के समक्ष अपने वित्तीय अधिकारों और करों में कम हो रही हिस्सेदारी के संबंध में अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि राज्यों की हिस्सेदारी 42 से बढ़ाकर 50% करने की मांग रखी गई है। केंद्र सरकार ने सेस और सरचार्ज बढ़ाकर अपने लिए काफी राजस्व का संग्रहण किया है। इसमें राज्यों की हिस्सेदारी नहीं रखी गई है। हमारी मांग है कि इसमें भी राज्यों का हिस्सा होना चाहिए। उन्होंने विपक्षी दल भाजपा से अनुरोध किया कि इस मामले में वो उनके साथ चलकर केंद्र के समक्ष प्रदेश का पक्ष रखें।
वित्त मंत्री ने युवाओं के लिए रोजगार और उन्हें स्वावलंबी बनाए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रदेश में स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाइयों में प्रदेश के 70% युवाओं को रोजगार मिलेगा। प्रदेश में 4 नए टेक्सटाइल गारमेंट पार्क और 1 कन्फेक्शनरी पार्क की स्वीकृति दी गई है। मिष्ठान और नमकीन केंद्रों के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। शहरी युवाओं के लिए युवा स्वाभिमान योजना भी शुरू की गई है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को व्यावसायिक कौशल का प्रशिक्षण देना है। अब तक इस पर 17,000 से अधिक युवाओं का प्रशिक्षण प्रारंभ हो चुका है। महिलाओं के स्वरोजगार के लिए मुख्यमंत्री ई रिक्शा योजना प्रस्तावित है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के विशेष उत्पाद जैसे चंदेरी और महेश्वरी की साड़ियां, धार का बाघ प्रिंट कपड़ा, भोपाल के बटुए, छतरपुर और टीकमगढ़ के पीतल के उत्पाद, रतलाम के सेव, मुरैना की गजक, भिंड के पेड़े, सागर की चिरौंजी की बर्फी, मालवा के चूरमा के लड्डू और बाटी, बुंदेलखंड की मावा जलेबी और अन्य ऐसे कई उत्पाद हैं जिनकी पहचान देश विदेश में स्थापित की जा सकती है। इस दिशा में भी सरकार आवश्यक कदम उठा रही है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में बताया कि कृषि योजनाओं के लिए कुल 22,736 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। ये राशि पिछले बजट की तुलना में 145% अधिक है। जय किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत बैंकों से समझौता कर किसानों को ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। अब तक 20 लाख किसानों के लगभग 7,000 करोड़ के ऋण माफ किए गए हैं। बजट में इसके लिए 8,000 करोड़ का प्रावधान है। किसानों से निरंतर संवाद बनाए रखने के लिए कृषि सलाहकार परिषद गठित की जाएगी। प्रदेश में संचालित हो रही निजी गौशालाओं को अब तक प्रति गाय के हिसाब से मिलने वाली 4 रुपए की राशि को बढ़ाकर 20 रुपए किए जाने का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि नई गौशालाओं के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था प्रारंभ की जाएगी। गौशालाओं के लिए 132 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में किया गया है। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ अब प्रदेश के पशुपालकों के साथ ही मछुआरों को भी मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य का अधिकार लागू करने का चुनौतीपूर्ण कार्य सरकार ने हाथ में लिया है। प्रदेश में 6 नए सिविल अस्पताल, 70 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और 329 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा 308 उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाएगी। योग्य चिकित्सकों की पदस्थापना के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री संजीवनी योजना प्रारंभ करने का भी निर्णय लिया है। स्वास्थ्य से जुड़े कार्यक्रमों के लिए बजट में 10,472 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसी के साथ स्कूली शिक्षा विभाग के लिए 24,499 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा में नया विश्वविद्यालय खोले जाने का निर्णय लिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि भोपाल की मसाजिद कमेटी, वक्फ बोर्ड और हज कमेटी के अनुदान में वृद्धि की गई है। पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग के लिए इस बार बजट में 821 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नागरिकों को शुद्ध जल उपलब्ध कराने के लिए जल का अधिकार अधिनियम लागू किया जाएगा। बजट में इसके लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसी के साथ वित्त मंत्री ने कहा कि वित्तीय संसाधन जुटाने के लिए परिवहन, आबकारी, पंजीयन और खनिज क्षेत्रों में नवीन नीतियों के माध्यम से राजस्व जुटाने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019-20 के इस बजट में कुल प्राप्तियां 2,14,363 करोड़ रुपए है। व्यय 2,14,085 करोड़ अनुमानित है। बजट प्रस्तुत होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने बजट पर चर्चा के लिए 11 और 12 जुलाई का दिन निर्धारित कर सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी। विधानसभा समीक्षा समाप्त हुई।